बगैर पर्ची की दवाइयां दे रहे मेडिकल स्टोर वाले आशा कार्यकर्ताओं के साथ जाते हैं मरीज। जनऔषधि केंद्र पर बेची जाती हैं अमानक दवाइयां। भगवती मानव कल्याण संगठन ने दिया आवेदन तेंदुखेड़ा। कल दिनांक 2/10/2022 को सरकारी अस्पताल में महिला नसबंदी का शिविर लगा था, जिसमें तेंदुखेड़ा ब्लॉक के ग्रामीण क्षेत्रों से मरीज आए हुए थे। इनका इस बंदी शाम तक हो चुकी थी और डॉक्टरों ने जरूरी दवाइयां मरीजों को दे दी गई थी, मगर आशा कार्यकर्ताओं द्वारा मरीजों को डॉक्टर के पर्चा के बगैर दवाइयाँ खरीदवाई गई। इसमें मल्टीविटामिन, एंटीबायोटिक्स और कुछ ताकत के लिए इंजेक्शन टैबलेट रहती हैं, जिसकी कीमत 500 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक की रहती है। अगर मरीज को इन दवाइयों की ज़रूरत होती तो डॉक्टर दवाइयां अस्पताल से ही निःशुल्क दे देते या फिर बाजार से लेते। ग्राम सिमरिया ग्राम पंचायत बैरागढ़ से आए मरीज सीमा चक्रवर्ती पति बल्लू चक्रवर्ती ने बताया कि मुझे मेरी आशा कार्यकर्ता ने तारन तारन मेडिकल स्टोर से 500 रुपये की दवाइयां खरीदवाई गई हैं। डॉक्टर ने कोई पर्चा नहीं दिया गया था। सभी मेडिकल स्टोर्स पर यह कमीशन का खेल खेला जाता है। इसमें आशा कार्यकर्ताओं को कमीशन दिया जाता है। इन दवाओं की ज़रूरत इन मरीजों को नहीं रहती और अस्पताल की बाउंड्री के अंदर जो जन औषधि केंद्र खुला हुआ है, जहाँ पर सिर्फ प्रधानमंत्री जन औषधि की दवाइयाँ बेच सकते हैं, मगर केंद्र संचालक द्वारा ये दवाइयाँ भी चोरी से बेची जाती हैं। मरीजों को बिना डॉक्टर पर्ची के मेडिकल स्टोर से दवाइयाँ देने और जन औषधि केंद्र से बगैर परमिशन के दवाइयों को बेचने की जांच हेतु आज मशीन SDM महोदय तेंदुखेड़ा एवं BMO तेंदुखेड़ा को आवेदन दिया। अनुविभागीय अधिकारी अविनाश रावत ने बताया कि मैं BMO तेंदुखेड़ा से बात करके आशा कार्यकर्ताओं की बैठक करवाता हूं और मेडिकल स्टोर्स पर सख्ती से कार्रवाई भी प्रस्तावित की जाएगी। ड्रग इंस्पेक्टर प्रीत स्वरूप ने बताया कि मेडिकल स्टोर पर कार्रवाई करवाता हूं। तेंदुखेड़ा से लक्ष्मण रेखवार की रिपोर्ट। कहाँ से आए? सिमरिया। और दवाइयाँ कितने पैसे की खरीदी? 500 रुपये। दवाइयों कोई पर्चा? कुछ नहीं, मेरे पर्चा बस। आशा कार्यकर्ता को का नाम? जी मैं तो नाम नाम बताओ। अजय। जो थोड़ी आशा कार्यकर्ता इनके घर के हैं का? इनके संग जो दवाई लेवे गए थे गए थे? हाँ। पर्चा लेके नहीं गए थे? हमें कहा ना हम घर का दवाई लगी थी, जहाँ से अपन ना तुमने दो लो आई बिना पर्चा के गई थी हमें मालूम नन्या साहब। खबर हटा के चैनल को सब्सक्राइब लाइक और कमेंट शेयर करें, घंटी वाले बटन को जरूर दबाएं। अपने क्षेत्र से जुड़ी ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। आप सभी का धन्यवाद। दीपक पटेल, मोबाइल नंबर 8602179712।